सो फ्रेंड्स, नवंबर 2023 सीए फाइनल एसएफएम का पेपर आउट हो गया है। आज स्टूडेंट्स का पेपर था और मेरा मानना है कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरे मटेरियल, मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे क्लास के कवरेज पे भरोसा रखा है, उनको बहुत अच्छा स्कोरिंग मिलेगा। मैं 1-to-1 क्वेश्चंस आपको शो करता हूँ, प्लस आपके बुक्स में ये क्वेश्चन कहाँ पे ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड था वो शो करता हूं। और साथ साथ मैं उन बच्चों से भी काफी नाराज हूं जो लास्ट मोमेंट में आके सही से रिवीजन नहीं कर पाते। और इस वीडियो के बाद आपको ऐसा लगेगा कि काश हम अच्छे से सर के मटेरियल पे रिलाई करते तो आज हमें 100 में 100 आता। बुक्स आपके पास है, क्वेश्चन पेपर आपके पास है और मैं आपको दिखाऊंगा कहां पर वो आपके बुक में क्वेश्चंस मिलेगा जो क्वेश्चन पेपर में आया था। यह वीडियो वही देखे जो ऑब्वियसली बात है जिनका भी एग्जाम्स नहीं है, जिनका एग्जाम्स चल रहा है वो वीडियो को स्किप कर दें, वो बाद में ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि अब तो जो हो गया सो हो गया। वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं तो क्लास में बार बार आपको यही कहता था, 100 out of 100, 100 out of 100, आपको कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, बस मेरे मेटेरियल को आपको 5 times रिविजन करना है और 100 out of 100 मार्क्स आप इजिली सिक्योर कर सकते हैं। इस पेपर में आप कितना सिक्योर एक एवरेज स्टूडेंट कर पाता वो मैं बता रहा हूं, मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि स्टूडेंट एवरेज है, वो इस पेपर को कितना अच्छा अटेम्प्ट कर पाता और कितना मार्क्स सिक्योर कर पाता। फाइन, तो शुरू करते हैं। मेरे मटेरियल को मेरे अपने पास रखिए, क्वेश्चन पेपर को अपने पास रखिए और एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। यहां मार्केट प्राइस दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे हमने हजारों क्वेश्चंस क्लास में किए थे, ये हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ आपको यहां पर डाटा दिया हुआ है, सारा कुछ डाटा आपको दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव की बात भी कही गई है, सो डेरिवेटिव प्लस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, थ्योरिटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, अगर डिजायर्ड बीटा ये रहेगा तो। सो सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया था। अब मैं आपको क्लास के मटेरियल का क्वेश्चन यहां पे शो कर रहा हूं जो कि क्वेश्चन नंबर 1A से रिलेटेड है। फाइन, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ डेरिवेटिव आप देख पा रहे हैं, डिट्टो क्वेश्चन वही है, डिट्टो आपका क्वेश्चन वही है। आप देख पा रहे हैं द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, मिला लीजिए क्वेश्चन को आप, मिला लीजिए। और यहां पर सबसे पहला रिक्वायरमेंट ही है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का, पहला रिक्वायरमेंट ही बीटा ऑफ पोर्ट। सेकेंड है थ्योरिटिकल वैल्यू, मिला लीजिए थ्योरिटिकल वैल्यू। आप समझ रहे हैं मेरा बात, तो आपको इससे और इजी क्या हो सकता है, ठीक है। अगर बाई चांस आपको बुक में क्वेश्चन नंबर ना मिला तो मुझे बताइएगा, मैं आपके बुक का क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा। ये क्वेश्चन मेरे मेटेरियल में 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स, 20 साल से है, ठीक है ना। इससे आसान पेपर मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा, तो ये आपका आ गया, ये 100% आपको मार्क्स मिल गया। बाकी देख लीजिएगा क्वेश्चन पूरा सॉल्व अभी हम कर लेंगे क्योंकि मेरे हाथ में अभी क्वेश्चन पेपर आया, मैं डायरेक्ट एनालिसिस कर रहा हूं। मैं तो क्वेश्चन पेपर देखते मैंने बोला कि चलो 100% ही आएगा, आओ क्वेश्चन पेपर लाते, वीडियो ऑन किया और बनाना शुरू कर दिया, आपके सामने ही बना रहे, ठीक है। तो यहां पर आपका 8 मार्क्स पक्का है, यहां पर 8 मार्क्स हमारा पक्का है, 8 मार्क्स पूरा पक्का हो गया, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, अब हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, 8 मार्क्स हमारा यहां पर पक्का हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप, ये डिट्टो क्वेश्चन हमारे मेटेरियल में है, ये हमारे मेटेरियल में है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये हमारे मेटेरियल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में है, ये हमारे मेटेरियल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूं कहां पर मिलेगा आपको ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में, कहां मिलेगा ये मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। सो सेकंड क्वेश्चन, आप एक बार डाटा देख लीजिए, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी पैक, डाटा देख लिया। अब आइए मेरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बुक में ये क्वेश्चन कहां मिलेगा जरा देखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहां पर, आप देख पा रहे हैं सेम क्वेश्चन आपका, सेम क्वेश्चन स्मॉल कैप,
लार्ज कैप सेम क्वेश्चन है, डिट्टो डिट्टो सेम क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन हमारे मटेरियल में, क्वेश्चन नंबर मैं बता दूं आपको, यह है क्वेश्चन नंबर 48 इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये हमारे क्वेश्चन है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, क्वेश्चन नंबर 48। जो न्यू सिलेबस के बच्चे कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कुछ अलग होगा उनका क्वेश्चन, लेकिन उसमें भी इंकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, न्यू सिलेबस वाले बच्चे जो अभी ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं मेरा, तो उनको हो सकता है क्वेश्चन नंबर टैली ना करे, लेकिन क्वेश्चन सारे करे हमने। तो सेम आप देखिए, यूजिंग आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, क्या लिखा हुआ है, यूजिंग आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। आइए यहां पे देख लेते हैं, यहां भी देख लेते हैं, यहां भी देख लेते हैं। आप देखिए यहां पर देखिए, एक्सपेक्टेड मार्केट बोथ द फैक्टर्स, मतलब देखिए थोड़ा सा यहां पर लैंग्वेज यहां पर इन्होंने चेंज किया है, बट चीज वही है, डिट्टो वही क्वेश्चन है, चीज वही है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी यहां भी लगाना है, नंबरिंग में इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है, बट चीज वही है। आप देख सकते हैं यहां पर सेम वही क्वेश्चन है, विच अल्टरनेटिव इज मोर प्रॉफिटेबल एक्सपेक्टेड ऑन द मार्केट आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, द कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन 25%। यहां भी देखिए कॉम्पोजिशन की बात की गई है, यहां भी कॉम्पोजिशन की बात की गई है, बट डेफिनेटली थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज ट्वीट किया है, लेकिन चीज वही है, बात वही है, कोई नई चीज नहीं है। ये आप देख सकते हैं रिस्क फ्री रेट का आपको डाटा दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट का यहां भी आप देख लीजिए डाटा दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट का देख लीजिए डाटा दिया हुआ है, सेम चीज है, सेम चीज है। आप देखिए डाटा, क्वेश्चन का डाटा मैच करा लीजिए, आपका क्या लिखा, वेट्स लिखा हुआ है, फैक्टर वन, फैक्टर टू, फैक्टर थ्री। यहां पर आइए, यहां पर आइए, आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, फैक्टर वन, दो फैक्टर यहां पर दिया हुआ है, तीन फैक्टर था, दो फैक्टर का दिया हुआ है, तो उन्होंने थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया, जैसे यहां पे फैक्टर वन फैक्टर टू दो है, और हमने क्लास में तीन फैक्टर किया था, फैक्टर वन फैक्टर टू फैक्टर थ्री। बाकी डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका आठ नंबर यहां पर पक्का हो गया, तो आपका यहां पर आठ नंबर प्लस आठ नंबर दो आपका यहां पर पक्का हो गया। यहां पर भी मैं आठ नंबर लिख देता हूं और वहां भी आठ नंबर लिख देता हूं, बाद में कुछ नंबर काट भी देंगे इधर उधर की कैलकुलेशन मिस्टेक में भी काट देंगे, फिर भी मैं कह रहा हूं एग्जेम्पशन लाने से तो कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है, एग्जेम्पशन लाने से कोई नहीं रोक सकता। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड में आते हैं, लैक ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए वेल डेवलप्ड डेट मार्केट इन इंडिया इज एन ऑब्स्टेकल डेट हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी मार्केट ऑफ सिक्योरिटाइज्ड बैंक इंस्ट्रूमेंट, इज इट ट्रू। मतलब यहां पर आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, और क्या आप, व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन, डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन, इसमें तो आग बंद करो और चार नंबर दे दो। 20 पेज की थ्योरी मैंने आपको दी थी, वो नहीं होगा तो और फिर क्या होगा, 20 पेज 25 पेज में 100% थ्योरी कवर्ड है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आई डोंट नो आपने कितना किया, आप जरूर अपने फीडबैक को बताइएगा, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि आपको मैथ में क्या नहीं मिला। आप इस क्वेश्चन पेपर में 60% अगर स्कोर कर पा रहे तो मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है, 60 से कम आप क्यों स्कोर करेंगे बताइए, 60 मार्क्स कहां जाते हैं बताइए। मैं तो 100 out of 100 की तैयारी करवा रहा हूं, अभी रुको ना, अभी कुछ बच्चे एवरेज के लिए 70-80 नंबर पक्का है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, आइए थ्योरी बुक निकालते हैं और देखते हैं मैंने प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन कहां कवर किया है। डायरेक्ट चार नंबर है, तुरंत कीवर्ड्स लिखने हैं, चार में चार मिल जाएंगे इसमें, तो थ्योरी में तो तभी तो 100 में 100 हमारे स्टूडेंट्स के आते हैं। आइए देखते हैं, आप देख सकते हैं डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, लिस्ट आउट दी प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, डायरेक्ट स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ये आप कीवर्ड्स भी लिख देते तो आपको तीन नंबर मिल जाता, कीवर्ड्स ही लिखने हैं, इससे आसान थ्योरी दुनिया में नहीं होगी। 20-25 पेज की थ्योरी है और आपको आराम से, आपने जो मैं कह रहा हूं इस पेपर में मेरे स्टूडेंट्स निकलेंगे, आप देखिएगा हाईएस्ट मार्क्स लेकर आएंगे, और फिर कोई दूर नहीं होगा कि वो रैंक वन भी लेकर आ जाए अगर सारे पेपर उसके अच्छे जा रहे हैं तो। तो ये आपके हो गए प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, बहुत ही आसान पेपर, इसमें भी चार, तो मतलब पहला क्वेश्चन तो आपके बल्ले बल्ले हो गया। आइए अब हम लोग सेकंड पार्ट में सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर ट्वीट भी कर रहा है तो उसके लिए मैं मार्क्स आपका हटा कट भी कर दूंगा, तब भी आपके 70-80 नंबर कहीं नहीं गए। सो आपको ये सेकंड में क्या पूछा है, स्ट्राइक प्राइस मैक्सिमम एक्सपेक्टेड, ठीक है, कैलकुलेट थ्रीमन बाइनोमियल मॉडल एंड रिस्क न्यूट्रल अप्रोच, बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया इसके ऊपर। और सेकंड पार्ट इसमें क्या पूछा गया है, स्टेट क्लियरली बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एंड अंडर दिस मॉडल आर द कैलकुलेटेड अंडर बोथ द सेम एंड ऑल्सो क्लियरली स्टेट द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस अंडर दिस मॉडल, स्टेट ऑल्सो क्लियरली द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस अंडर दिस मॉडल्स, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट तो हमने बिल्कुल किया है अपने क्लास में, आपको मैंने बताया था दो मेथड्स होते हैं और दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, बाइनोमियल मेथड से भी आंसर सेम आता है और रिस्क न्यूट्रल मेथड से भी आंसर सेम आता है, दोनों को मैंने करके दिखाया था, सेम करके दिखाया था,
ठीक है ना, दोनों को सेम मैंने करके दिखाया था, सेम डाटा है, करंट मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस में आपको डाटा मैच करवा दे रहा हूं, डाटा भी मैच करा दे रहा हूं। आइए अपने बुक के क्वेश्चन में आते हैं, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे मटेरियल में है, क्वेश्चन में 10 हमारे मटेरियल में है, दोनों प्राइस दिया 115.90, दो प्राइस दिया हुआ है, यहां पर भी देखिए दो प्राइस दिया हुआ है 525 एंड 378, यहां पर भी स्ट्राइक प्राइस और सारा कुछ दिया हुआ है, सीएमपी दिया हुआ है और सारा इंफॉर्मेशन मतलब यहां पर पैराग्राफ में दिया हुआ है, यहां पर इन्होंने टेबल वाइज थोड़ा सा जाके दिया है, सेम इंफॉर्मेशन है। डायनेमिक मैंने क्लास में दोनों मेथड से कराया था, क्लास मैंने दोनों मेथड से कराया था, यहाँ पे रिस्क न्यूट्रल अप्रोच है, लेकिन मैंने बाइनोमियल मॉडल से भी प्रूफ कराया था कि दोनों से आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी सिंपल, फर्स्ट पार्ट आपका निकल गया होगा। सेकंड पार्ट में आते हैं इस क्वेश्चन के, सेकंड पार्ट में आते हैं, आर द कैलकुलेटेड वैल्यू सेम, यस इन दोनों से वैल्यू सेम आएगा, यहाँ पर आपको यस लिखना था, वैल्यू यहाँ से सेम आएगा। स्टेट ऑल्सो क्लियरली द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन अंडर दीज मॉडल्स, तो आई थिंक ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा थ्योरी पॉइंट है, समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये चाहते क्या है। स्टेट क्लियरली द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी में कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे, कोई प्रैक्टिकल नहीं है ये वाला चीज, प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं है इसमें, थ्योरी में एक दो लाइन लिखना होगा कि आपने किस तरह से वैल्यूएशन किया, किस तरह से आपने यहाँ पर वैल्यू को निकाला है, बस यही है। जैसे हमने आपको पूरा स्टेटमेंट लिखवाया था कि हम पहले बोरो करेंगे, फिर हम कॉल सेलर बनेंगे, फिर हम कुछ शेयर्स बाई करेंगे, पूरा मैंने आपको बेसिस बताया था, आपको वही थ्योरी यहां पर लिख देना है, ठीक है। तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, ये आपका नंबर था आपका 8 नंबर, तो मैं मान के चल रहा हूं कि चलो इसमें 7 नंबर आता है, वो ये वाला जो थ्योरी पॉइंट है इसमें हो सकता है बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए हो कि लिखना क्या है। चलिए तो यहां पर हमारा 7 नंबर आ गया, अब हम देखते हैं और क्या है सेकंड का पार्ट में क्या है। यहां पर ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, स्कीम ए स्कीम बी स्कीम सी डिट्टो क्वेश्चन हमने ये वाला क्लास में किया, इंक्रीज एंड डिक्रीज इफेक्टिव यील्ड हम देखते हैं अभी यहां पर, और क्या है यहां पे इंफॉर्मेशन, और निकालने क्या बोला है आपको, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने बोला है, और एडवाइस ऑल्सो वेदर ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस इन्वेस्टमेंट, तो आपको एडवाइस भी पूछा है। तो जरा हम देखते हैं हमारे मटेरियल में ये क्वेश्चन कहां पर है, ये क्वेश्चन कहां पर है हमारे मटेरियल में, और सेम सिमिलर क्वेश्चन हमने जरूर किया हुआ यहां पर, मैं मैट्री लेबर लेकर चलता हूं आपको। चलिए सर, तो आप देख सकते हैं हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 9G में है, और यहां पर आपको कुछ डिसीजन ही पूछा है, प्रोवाइड अ ब्रीफ कमेंट ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन ही शुड टेक फॉर फ्यूचर पीरियड, और यहां भी आपसे डिसीजन पूछा है लास्ट में, एडवाइस क्या उसे होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वही कोर्स ऑफ एक्शन वाला बात आ गया। यहां पर आपको इंक्रीज डिक्रीज इन एनएवी बोला हुआ है, मतलब यहां पर आपको एनएवी 1 माइनस एनएवी 0 दिया हुआ है, तो कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर दिए हुए हैं, आपको थोड़ा सा ट्वीट किया यहां पर, इफेक्टिव यील्ड भी दिया हुआ है, और यहां पर आपको इफेक्टिव यील्ड निकालने बोला था, आप देख सकते हैं यहां पर आपको इफेक्टिव यील्ड निकालने बोला था, यहां पर इफेक्टिव यील्ड दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन सिमिलर है, आप देख सकते हैं डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप देख सकते हैं एनएवी एट एंट्री डेट देख सकते हैं यहां पर, देखिए ठीक है ना, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, एनएवी एंट्री डेट देख लीजिए, तो 80% क्वेश्चन सिमिलर है, और इसमें क्या निकालने बोला है जरा देखते हैं, इसमें निकालने बोला है आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इनिशियली, मतलब आपको थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन करना है, इनिशियल अमाउंट ऑफ मतलब ये निकालने बोला, देखिए इसमें ये निकालने बोला है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में जो क्लास में कराया था ये दिया हुआ था, हमें ये निकालना था, और यहां पर ये दिया हुआ है इफेक्टिव यील्ड पर एनम एग्जाम में दिया हुआ है, हमें ये निकालना है, तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन से जब आप ये निकाल सकते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन से आप ये क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल दिए होंगे, एक्स मानकर आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, बिल्कुल होना चाहिए था ये भी क्वेश्चन आपसे। तो ये अभी क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा हूं कि कंप्लीट मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, इसमें भी आप आराम से 8 नंबर सिक्योर कर सकते थे, ठीक है। कोई म्यूचुअल फंड बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं था, कवरेज भी कम था म्यूचुअल फंड का, और हो भी गया होगा आपसे अच्छे से। अब सी पार्ट में क्या हुआ, कन्वर्जन फैक्टर इन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, तो ये प्रैक्टिकल पार्ट है। कन्वर्जन फैक्टर हम लोग ने पढ़ा था, याद करो, कन्वर्जन फैक्टर हमने पढ़ा था कहां पर पढ़ा था, चीपेस्ट टू डिलीवरी वाले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहां पर आपका कन्वर्जन फैक्टर प्रैक्टिकल से पूछा है, वेगन रेओ भी हमने किया है क्लास में, थ्योरी लिखा है, देखिए V फॉर वोलेटिलिटी, मैंने आपको V बोला भी था, V से वोलेटिलिटी पकड़ना, R मतलब रेट पकड़ना, और वेगा और रेओ हमने क्लास नोट्स में किया है,
तो ये वाला तो दो नंबर तो आप पूरा ही पूरा पा लेंगे। कन्वर्जन फैक्टर में आप डेफिनेटली, मैंने आपको जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का चैप्टर कराया था उसमें कन्वर्जन फैक्टर यूज किया गया था, तो वहां पर हमने नोट्स बना के लिखा था कि कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फिर भी मैं यहां पर मान के चल रहा हूं आप तीन नंबर सिक्योर करेंगे, एक नंबर फिर भी मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि डिडक्ट हो सकता है, क्योंकि थ्योरी का पार्ट है, डायरेक्ट थ्योरी यहां नहीं पूछा गया, लेकिन वेगा रेयो में तो पूरा पूरा दो नंबर आप ले आएंगे। इसके क्लास के हमने नोट्स में हमने लिखा था, चलिए मैं आपको क्लास नोट्स भी दिखा दे रहा हूं, वेगा रेयो का क्लास नोट दिखा रहा हूं जो आपके रजिस्टर में भी लिखा होगा। आइए क्लास नोट्स दिखाते हैं। देखिए क्लास नोट्स में मैंने आपको दो साल पहले लिखवा दिया था कि चार मार्क्स का थ्योरी एक्सपेक्टेड है। क्लास नोट्स में मैंने पहले ही आपको लिखवा दिया था कि चार नंबर का थ्योरी एक्सपेक्टेड, और थ्योरी भी आ गया। देखिए वेगा, आपसे वेगा पूछा है, रेयो पूछा है, बस आपको ये इक्वेशन लिखना था, आपको दो नंबर मिल जाते। ठीक है, आपको सिर्फ ये इक्वेशन लिखना था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और मैंने पहले ही बता दिया था कि इससे थ्योरी आएगा। ठीक है, कमाल कर दिया ना इस बार, इस बार तो कमाल हो रहा है, क्या सारा एकदम, क्या बोलूं अब मैं आपको। क्लास नोट्स तो मैं नहीं बदल सकता, नहीं तो दो साल पहले का नोट्स है, क्लास नोट्स हो ना मैं बदल सकता हूं, क्वेश्चन पेपर तो आपके सामने आज आया है 100%। मतलब थोड़ा ये एवरेज स्टूडेंट लेके चल रहा हूं मैं, अगर थोड़ा सा बच्चा समझदार होगा तो क्या ही बोले। मतलब अभी आपको पूरा पहले पूरा पेपर मैं भी पहली बार ही देख रहा हूं, मुझे नहीं पता आगे का कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ये फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने बैठ के क्वेश्चन पेपर देख रहा हूं। ठीक है ना, बट हाँ कॉन्फिडेंस है कि पूरा पढ़ाया है, अगर बच्चा 5 times रिवीजन करके जाएगा तो एक नंबर भी नहीं कटेगा, ये कॉन्फिडेंस है, 20 साल से कॉन्फिडेंस आया है और 20 साल से हर एग्जाम में खरा उतरा है, इस एग्जाम में भी खरा उतरेगा। फाइन सर, सो चलो इसमें भी तीन नंबर एक नंबर थोड़ा सा हमने कन्वर्जन फैक्टर के लिए हटा दिया यहां पर। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मार्केट वैल्यू, इक्विटी, कंपनी प्लान, राइट इश्यू टू फाइनेंस। ओहो ये तो बहुत ही सिंपल, द कंपनी टू कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस निकालना, वैल्यू ऑफ राइट निकालना 1500 का, ये बहुत इजी है क्वेश्चन। राइट शेयर्स, ये राइट शेयर्स का क्वेश्चन है, 8 में 8 देखिए, ही सब्सक्राइब द राइट इशू, ही इग्नोर द राइट इशू, सारा इंफॉर्मेशन मैं भी आपको दिखाता हूं। ठीक है ना, एक्स राइट प्राइस निकालना, वैल्यू ऑफ राइट निकालना, ओहो क्या ही बोले अब, क्या ही बोले अब इस क्वेश्चन के बारे में। तो ठीक है, आइए मैं बताता हूं हमारे मेटेरियल में ये क्वेश्चन कहां मिलेगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1A देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 1A देख लीजिए आप, देख सकते हैं यहां पर शेयर होल्डर 1000 शेयर है शेयर होल्डर के पास। यहां देखिए क्वेश्चन पेपर में, यहां भी शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं, यहां पर 1500 शेयर्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ही सब्सक्राइब द राइट इशू, यहां देखिए ही सब्सक्राइब द राइट इशू, ही द सेम सब्सक्राइब द एंटायर इशू, ही सब्सक्राइब द एंटायर इशू, ये आ गया आपका। तो सेम आपसे क्या पूछा है, एक्स राइट प्राइस पूछा है आपसे, थ्योरिटिकल पोस्ट राइट प्राइस पूछा है, थ्योरिटिकल वैल्यू ऑफ राइट पूछा है, यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ राइट पूछा है, एक्स राइट प्राइस, सेम इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका आराम से हो गया, इसमें आपको आराम से 8 नंबर मिल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन मुझे अभी तक का जितना भी मैंने अभी तक बोला है सबसे आसान सवाल यही था। चलिए आगे का देखते हैं क्या रहेगा। चलिए ये भी अपना हो गया, राइट शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, आगे हर चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका ये मतलब है कोई भी चैप्टर इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जापानीज कंपनी इंपोर्ट हाईटेक प्रिंटर। ठीक है, आई थिंक ये मेरे को फॉरेक्स का जैसा लग रहा है क्वेश्चन, जरा देखते हैं। और बेस्ट स्ट्रेटेजी बताना है, 3 महीने बाद पेमेंट मिलने वाला है, और आपको रेट्स दिए हुए हैं, बिड आस्क लिया हुआ है, स्पॉट 3 months 6 months, ओके वेरी सिंपल इन्फॉर्मेशन, और आपको कॉल पुट का भी डाटा दिया हुआ है, प्रीमियम परसेंटेज कॉल पुट दिया हुआ है, वेरी गुड नो प्रॉब्लम, स्पॉट रिप्राइज एज ऑन एक्सपायरी कोई दिक्कत नहीं है, सजेस्ट द बेस्ट CFO को फॉरवर्ड बाय 3 month कॉल, कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है, सेल 3 month पुट एंड बाय कॉल सेल पुट। तो मतलब ये तो देखो सिंपल ही सवाल है, ठीक है, फॉरवर्ड हेज में आपको इनटू करना है, एक फॉरवर्ड हेज का बताता हूँ मैं, सिंपल सा बात बताता हूँ एक फॉरवर्ड हेज का, कितना कितना पैसा है, $1 million है ना, $1 million कितना 3 महीने बाद मिलेगा, तो $1 million 3 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने का आपको यहाँ पर रेट, ये दोनों में कोई रेट एक जो भी देखना पड़ेगा कौन सा रेट लगेगा, ये रेट आपको लगाना है। ठीक है, फॉरवर्ड हेज में इनटू करना है, आपको 1 second में ये इसका आंसर आ जाएगा, फिर आपको ये करना है कि अगर मैं बाय 3 कॉल ऑप्शन करूंगा तो क्या होगा, और एक्सपेक्टेड प्राइस ऑन एक्सपायरी भी दिया हुआ है। ठीक है ना,
तो ये वाला हमें करके देखना पड़ेगा। ये आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कराया गया था कॉल पुट, ठीक है। तो ये मैं मान के चल सकता हूँ कि इसमें आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा कर ही दिए होंगे और बाकी में भी आप कर चुके होंगे, तो फिर भी इसमें अगर 8 नंबर है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें 4 नंबर आपका मैं मान के चल रहा हूँ। बल्कि मैं 100% दूंगा उन बच्चे को जो पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लास हमारी करके, मैंने एक एक प्रैक्टिकल कराया आपको, कॉल पुट बायर बन के सिखाया है, सेलर बन के सिखाया है, तो फिर कहना ही क्या। लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 4 नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें हो सकता है बच्चा डायरेक्ट एकदम से क्लिक ना करे, लेकिन ये है बहुत आसान क्वेश्चन, करने बैठेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। अभी मैं करने नहीं बैठ रहा, ठीक है ना। आइए उसके बाद चलते हैं, डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। ओहो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, कोई दिक्कत नहीं है। सो थ्योरी में डायरेक्ट कवर है, आइए थ्योरी बुक में चलते हैं और देखते हैं। थ्योरी में डायरेक्ट कवर है आपका, ये थ्योरी बुक में आ जाइए और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का मेन फंक्शन आपको पूछा है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये आपका रहेगा 3। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका थ्री। बहुत डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी शुड बी एबल टू आंसर 3 बेसिक क्वेश्चन। पढ़िए एक बार मेरे साथ पढ़िए, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी शुड बी एबल टू आंसर 3 बेसिक क्वेश्चन। और यहां क्या पूछा है देखिए, यहां पर आपसे पूछा है, यहां पर वही चीज पूछा है। आप देखिए, थ्री बेसिक क्वेश्चन, विच आर द 3 बेसिक क्वेश्चन इट शुड बी एबल टू आंसर। और मैंने साफ साफ यहां लिख दिया है, थ्री बेसिक क्वेश्चन क्या क्या होगा, मैंने 3 बेसिक क्वेश्चन यहां दे दिया है। तो डायरेक्ट थ्योरी पूछे जा रहे हैं। इसमें तो मेरे को लगता है कि 4 में 4 बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, डायरेक्ट थ्योरी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब आइए हमारे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है आपका 4A। जरा देख ले, ओहो ये तो आपका मर्जर का चैप्टर है, ये तो सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया है मर्जर, ठीक है, प्रमोटर। ओहो ये क्वेश्चन तो ओहो क्या बोले यार, क्या पेपर आया है, 10 में पहले ही लिख दो, आपको क्वेश्चन दिखाने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने 10 लिख दिया। ये सेम कभी मेरे कल लाइव बैच चल रहा था भी, वह मैंने यही क्वेश्चन कराया है, मतलब क्या बोलूं, फ्री फ्लोट निकालना है। चलिए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आइए। तो आप देख सकते हैं सेम इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेट फ्री फ्लोट मार्केट कैप, वेट्स यहां पर दिया हुआ 40, 25, 35%, यहां वेट्स देख लेते कितना है, यहां 20, 60, 20% है। और सेम क्वेश्चन है आपका, रिवाइज्ड आपको निकालने बोला है, और यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन 17A हम लोग ने क्लास में किया हुआ है, ये सेम इंफॉर्मेशन के साथ, यहां पे 10 में 10 आपको मिल गए, यहां बोलने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, तो अब हम बी पार्ट में आते हैं। ओहो ये सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन हमारे मैट में कवर है, 6 नंबर, ये डिट्टो मैं पहले लिख देता हूं, डिट्टो क्वेश्चन कवर्ड है, चीपेस्ट टू डिलीवरी। आइए अपने बुक में चीपेस्ट टू डिलीवरी, ठीक है। तो ये आपका आ गया चीपेस्ट टू डिलीवरी, ये कौन से में है, ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में है, चीपेस्ट टू डिलीवरी। मैं आपको बता रहा हूं कौन से नंबर क्वेश्चन में हमारा ये, तो ये आपका आएगा क्वेश्चन नंबर, आप देख सकते हैं ये आपका है चीपेस्ट टू डिलीवरी, सेम इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, टू सी क्वेश्चन नंबर 2C में आप देख सकते हैं, सेम लगता है क्वेश्चन भी सेम आ गया। यहां पर आप देख सकते हैं GOI 2023, यहां पर देखिए, यहां पर 2025 कर दिया, कोई बात नहीं, कोटेड ले और कन्वर्जन फैक्टर दिया हुआ है, डिट्टो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कोई भी अंतर नहीं है, छह में छह, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आइए 4 मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, व्हाट आर द पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई करेंसी रिस्क। ओहो ये डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी में कवर्ड है, करेंसी रिस्क को ढूंढने का तरीका ये आपको यहां पर थ्योरी में कवर्ड है। आप बताइए, थ्योरी बुक लेकर आते हैं और करेंसी रिस्क बोला है, तो करेंसी रिस्क आप देखिए कहां पर है, थ्योरी बुक आपका करेंसी रिस्क,
देखिए करेंसी रिस्क यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है ना। और अब देखते हैं, ये देखिए करेंसी रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड, करेंसी रिस्क कैन बी 20 नंबर का 20 पेज का थ्योरी था और डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट 40 20 25 नंबर आपको फ्री में मिल रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हाउ करेंसी रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड और बाकी क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो हाउ करेंसी रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड यहाँ पर पूरा आपको 4 नंबर मिलेगा, यहाँ पूरा आपको 4 नंबर मिलेगा, पहले वाला भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थ्योरी बुक में आपको ये पूरा पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये भी फॉरेक्स का क्वेश्चन लग रहा है, इंपोर्टर कस्टमर बुक डे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूएसडी इतना। और आपका देखिए क्या क्वेश्चन आया ये, ओहो ये क्वेश्चन तो मॉर्निंग में मैंने ग्रुप में डाल दिया था, ओहो ये तो क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग में ग्रुप में डाल दिया था, ये तो सबसे सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, फाइनल है, फॉरेक्स का सबसे सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है ये तो, लगता है फाइनल वाले बच्चे हर बच्चा कर लिया होगा। स्वैप लॉस इंटरेस्ट ऑन आउटले फंड आज ही मैंने ग्रुप में डाला था, टेलीग्राम चैनल में अमेंडमेंट वाला ग्रुप में डाला था, ये वाला सेम हमने एक आपको पूरा शॉर्ट नोट्स करके दिया था। ये कितने नंबर का है, ये तो क्वेश्चन नंबर भी लिखाने की जरूरत नहीं है, तो याद ही होगा आपको, क्वेश्चन ही याद कर लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने तो क्वेश्चन ही याद कर लेते हैं ये वाला, क्योंकि एक ही वैरायटी क्वेश्चन है। 8 नंबर यहाँ पर आपको 8 नंबर मिल रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बताने की भी जरूरत, मेरे को क्वेश्चन नंबर भी याद है इसका, इसका क्वेश्चन नंबर है 65A, मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर है 60, मेरे को फॉरेक्स का क्वेश्चन नंबर भी याद है, चलिए दिखाई दे रहे हैं। स्वैप लॉस एक्सचेंज डिफरेंस इंटरेस्ट ऑन आउटले फंड कैंसिलेशन चार्जेस ये सारा चीज आपके क्वेश्चन नंबर 65A में आपको मिलेगा, चलिए आप देख लीजिएगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये भी आपका बहुत आसानी से हो गया। उसके बाद देखें बी पार्ट आपका है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पार्ट है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन आपको दिया हुआ है, अल्फा निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, बीटा निकालना है, मतलब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी है, मेरे ख्याल से इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। डायरेक्ट आपको डाटा सारा दिया हुआ है और आपको सिर्फ वैल्यूज निकालने और सारे आपको पुट करने, ये आपको अगर बीटा निकालना आता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना आता है, एसएलएम और अल्फा, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 करके दे दिया, बट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें अल्फा अलग से कराया हुआ है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन अलग से कराया हुआ है, बीटा अलग से कराया हुआ है, इसमें भी आप आराम से 8 नंबर सिक्योर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सॉल्यूशन किएंगे तो मुझे दिखाएगा, मैं चेक करके आपको दे दूंगा या मैं ही सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, हेल्थ केयर है, ये स्टार्टअप वगैरह है, अच्छा ये तो थ्योरी है। एलिजिबल फॉर स्टार्टअप क्राइटेरिया, ये भी हम लोग का थ्योरी अलग कवर्ड है, स्टार्टअप का क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आइए वो भी देख लेते हैं कहां पर मैंने बताया थ्योरी है ये, तो स्टार्टअप क्राइटेरिया आपका कहां पर लिखा हुआ है बता दिया जाए, आपका स्टार्टअप क्राइटेरिया कहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका लिखा हुआ है, ये रहा स्टार्टअप क्राइटेरिया, पूरा आपको क्वेश्चन थ्योरी का दिया हुआ है। थ्योरी तो इस बार मतलब मजा आ गया, इस बार तो थ्योरी पूरा ही डायरेक्ट है, मतलब इतना डायरेक्ट भी मैंने नहीं सोचा था, पूरा ही डायरेक्ट हो गया, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको स्टार्टअप क्राइटेरिया अप टू 10 ईयर्स ये होगा, टर्नओवर ऑफ एंटिटी ये होगा, ये सारा आपको लिखना था, तो ये भी आपको 4 में 4 यहाँ पर मिल गए, ठीक है। सो और अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन, ओहो ईवीए का क्वेश्चन है, ए राम ये क्या हो रहा आज, इस बार कितने बच्चे 100 में 100 लाएंगे पता नहीं, ये तो ईवीए का क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ईवीए का है, ठीक है। आप देखिए ए बी सी पैरामीटर्स आप देख लीजिए, मैं आपको शो कर दे रहा हूँ कौन से कहाँ पर कौन से नंबर पे है, ए बी सी टोटल इन डेट एसेट रेशियो, आइए ईवीए हम डायरेक्ट शो कर दे रहे हैं आपको यहाँ पर, ये डायरेक्ट ईवीए का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए सो ये आपका आ गया वॉल्यूम नंबर 3 ईवीए का क्वेश्चन है, ठीक है। नंबरिंग बाई चांस अगर मैच नहीं करा तो मुझे बता दीजिएगा, है पूरा 20 ईयर से करवा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। सो ये आपका आ गया, ये देखिए पी क्यू, ये देखिए सेम डेट एसेट रेशियो सब चीज दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है 7A सेम क्वेश्चन है, इसमें तो बात ही मत करिए। तो ये पूरा आपको 8 नंबर मिल गया यहाँ पर। और आइए यहाँ पर जेनरिक स्वैप, ओहो नोशनल ठीक है, सेम पीरियड ठीक है, इंटरप्रेट द डीलर बैंक कोट इफ द फर्म इज बाइंग स्वैप व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश फ्लो, तो थोड़ा घुमाया है, ट्विक किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, बट हो जाएगा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ कराया हुआ है स्वैप एंड ऑल, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं मान के चल सकता हूँ कि लीक के हट से। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रीड करता हूँ,
ठीक है नोशनल आपको सेम 6 मंथ नो, तो इसमें आपको थोड़ा सा आपको जो क्लास में हम इतने सारे कॉन्सेप्ट करवाते हैं एकदम डिटेल में कराते हैं उससे निकल जाएगा, इजी है, आप जब सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा इसका, लेकिन इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको दिमाग लगाना पड़े, तो मैं इसमें मान के चल सकता हूं कि इसको मैं एक बार होल्ड कर रहा हूं क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, और ऐसे भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है तो हमारे पास लिबर्टी है ना कि हमें सारे क्वेश्चन थोड़ा ना करने, अच्छा इसमें बाद में भी सारा कुछ है, अच्छा ये सब दिया हुआ है, ठीक है तो ये क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ कि ये आप छोड़ चुके, छोड़ देंगे वाला क्वेश्चन, हालांकि ये हो जाएगा क्लास के कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, बस बैठेंगे तो कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट मतलब नहीं आया कि भाई क्लास में एकदम आप टैली कर दें, वो बात नहीं है, ठीक है, तो इसमें मैं मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लीव कर दिए होंगे, बाकी जब सॉल्यूशन देंगे तो आप देख लीजिएगा, और ये जब क्वेश्चन लीव ही कर दिए तो ये भी लिस्ट आउट द स्टेटमेंट टेक्निकल एनालिसिस मे नॉट वर्क वेरी वेल, ठीक है, सो ये आपसे ड्रॉबैक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पूछा और डील स्ट्रक्चरिंग बोला है, एग्जिट प्लान वेंचर कैपिटल प्रोसेस, तो ठीक है इसको मान के चलता हूँ, ये पार्ट को तो बच्चे मेरे छोड़ ही दिए होंगे, ठीक है ये पार्ट को थोड़ा सा हम छोड़ ही देंगे तो बेटर रहेगा, और पहला क्वेश्चन क्या था इसका, इसका सी पार्ट, अच्छा ये पहला क्वेश्चन मतलब इसका था, एक बार मैं ए पार्ट देख लेता हूँ, हाँ तो फॉरेक्स का था ना, तो यहाँ टेम्पटिंग होगा कि यार ये फॉरेक्स का क्वेश्चन तो सबको आता ही होगा, ये तो सब लोग ने तो मतलब ये तो घोट के ही आपकी गए होंगे, क्योंकि ये तो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बट एनीवेज ये क्वेश्चन ये तो हम लोग लीव कर देंगे ये वाला पार्ट, क्योंकि ये ऑप्शनल है, और बाकी हमने क्वेश्चन पूरा रिव्यू कर लिया है, मेरे ख्याल से इस पेपर में 90+ लाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक एवरेज स्टूडेंट इस पेपर में 90+ ला सकता है, मैं और एवरेज लेके चलता हूँ 70+ ला सकता है, 80+ ला सकता है, 60 तो प्लस पक्का ही है, ठीक है, तो अब बात है एग्जाम रिजल्ट्स की, बच्चों का एग्जाम रिजल्ट आएगा तो मैं बताऊंगा, प्रूफ करूंगा, अभी से आप लिख लीजिए कि हमारे स्टूडेंट्स का ही आप देखिएगा मार्क्स कितना अच्छा आ रहा है, और मैं आपको रिफ्लेक्ट करूंगा हर एक ग्रुप में, आपको पोस्ट करके दूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स का मार्क्स लेके आया है, क्योंकि ये उनकी मेहनत है जो मार्क्स लेकर आए, क्योंकि पढ़ाते तो हम सबको है लेकिन सब नहीं कर पाते, लास्ट मिनट में बच्चा बोलता है कि सर मैं 10 क्वेश्चन करके चला जाऊं, 50 क्वेश्चन करके चला जाऊं, 20 क्वेश्चन करके चला जाऊं, ऐसा क्यों, पूरा सिलेबस पढ़ाया तो पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ, क्या पहले वाले बच्चे नहीं करते थे, सब करते थे, आपको सारा पढ़ के जाना है, जो क्लास में कराया वो सब करके जाना है, बस जो आपको लगता है कि ये इजी है उसको आप छोड़ सकते हैं, जो एग्जाम में आ जाए तो आपको कर पाएंगे, सारे फॉर्मूलेज आपको रिकॉल करने, आपको 40 अलग से दिया हुआ है, थ्योरी अलग से दिया हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट अलग से दिया हुआ है, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन अलग से दिया हुआ है, और क्या चाहिए, ठीक है, तो पेपर वॉज वेरी वेरी इजी, मैंने एनालिसिस किया और भी मैं इसके बारे में वीडियोज बनाता रहूंगा, प्लस मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका May 24 एग्जाम है तो लाइटली मत लीजिए, अभी मैंने जो बोला वो सिर्फ उनके लिए जो 5 रिवीजन करके बैठे हैं, जिन्होंने 1-2 रिवीजन करके गए थे, या जो रिवीजन लास्ट मोमेंट में कर नहीं पाए, उनको प्रॉब्लम आई होगी इस पेपर में, उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, आप मुझे क्लास बाई एजे में मैसेज करिए और मुझे बताइए कि इस पेपर में आप कितना स्कोर कर रहे हैं और आप क्यों अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या क्यों अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आप इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं समझूंगा कि क्यों आपका मार्क्स यहाँ पर कट रहा है, class by AJ@telegram का ये यूजर ID है, यहाँ पर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करिए, इस पेपर के बारे में मुझे फीडबैक दीजिए कि कैसा रहा फीडबैक, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक, हजारों स्टूडेंट्स का आ चुका है कि सर इस बार तो बस कमाल कर दिया SFM पेपर, तो इस बार हमने कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया, बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आए हुए हैं, हम आपको बताएंगे बच्चों का मैसेजेस भी, आप ग्रुप में आएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है ना, क्लास बाई एज, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ग्रुप लिंक दे दे रहे, उसमें आप जुड़ जाइए, अगर May 24 एग्जाम है और अभी भी आप सीरियसली नहीं है तो May 24 के लिए मैं स्पेशल रिविजनरी क्लासेस टेक्निक्स, मैं अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन का बुक लेटेस्ट वो भी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, उसके लिए आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, May 24 के लिए अगर आपका एग्जाम है या ऑनवर्ड्स एग्जाम है और ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी है, अमेंडमेंट्स का होगा, कैसे एडिशनल लेक्चर देखने, क्योंकि वो AFM होगा, ठीक है ना, उसमें MCQs भी होंगे, तो आप एक जगह जुड़ जाइए, विद इन 1 वीक मैं आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, May 24 के लिए रिविजनरी क्लासेस जुड़ के रहेंगे, और May 24 को भी क्रैक करना हम लोगों को 100 out of 100 लेकर आना है, ये उम्मीद लेकर चलना है, तो पहला काम क्या करना है, May 24 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब एक जगह आ जाइए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है, और आपको कोई भी
कोई भी इस पेपर से रिलेटेड फीडबैक है तो एट द रेट ऑफ क्लास बाई एजे में मुझे मैसेज कीजिए, एट द रेट ऑफ क्लास बाई एजे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं और एक बार लिख दूंगा इस चीज़ को, आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, अपने फीडबैक, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने रिव्यूज मुझे दीजिए, क्यों नहीं आप इस पेपर में अच्छा कर पाएं या क्यों अच्छा कर पाएं, क्या दिक्कत रही इस पेपर में, 60 मार्क्स आप क्यों नहीं ला सकते मुझे बताइए, बुक में अगर आपको नहीं मिलता है क्वेश्चन, आप अगर ये बोलते हैं कि सर बुक का नहीं है क्वेश्चन तो मुझे बताइए कि 60 नंबर तो है ना, 60 नंबर तो लेकर आ रहे हैं ना, 60 लेकर आ रहे हैं तब कोई मैसेज नहीं है, 60 से अबव ला रहे हैं तो मैसेज कीजिए, 60 से नीचे ला रहे हैं तो मैसेज कीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरा तो एग्जम्पशन पक्का है तब भी मैसेज कीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने एकदम लाइव यहां पर आपको ये करवाया है यहां पर एनालिसिस, अगर कुछ मिस हो गया है तो जरूर मुझे रिकॉल करवाइएगा, मैं उसे आपको बता दूंगा। एक ग्रुप में जुड़ जाते हैं, May 24 क्रैक करना है, May 24 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर November 24 के भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास कर लिया है, लाइव क्लास तो मेरी चली रही है, फिर भी आपको मेरे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का बुक चाहिए, अगर आपको मेरे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का बुक चाहिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का बुक चाहिए जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे लेटेस्ट, और उसको करके चले जाओ 100 out of 100 जाएगा, जिसमें MCQ बुक भी होगा, थ्योरी बुक भी होगा, चालीसा भी होगा, तो आप मुझे बताइए, रिक्वेस्ट कीजिए। आप रिविजनरी क्लास लेना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक लेना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं आप मुझे बताइए, डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए और पहले ग्रुप में जुड़ जाइए। May 24 जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, May 24 एंड ऑनवर्ड्स मैं आप लोगों को ग्रुप में देखना चाहता हूं, आइए मिलते हैं ग्रुप में, फिर बातें करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, एंड द पेपर वॉज वंडरफुल, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब आप लोग आगे का रास्ता देखिए, आगे के क्लासेस और आगे के एग्जाम्स अच्छे से दीजिए, रिविजन में जोड़ दीजिएगा, बिना रिविजन के कोई भी आप क्लासेस कर लीजिए सब वेस्ट हो जाएगा, आपको कम से कम 5 बार रिवीजन करना ही है, मस्ट है। रिवीजन भी कैसे करना है, क्या टेक्निक अपनाना है, वो सारी बातें हम शेयर करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको SFM से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताइए, ठीक है, SFM से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताइए, AFM से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आप मुझे बताइए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, सब कुछ करने को मैं रेडी हूं। फाइन, बस अब आपके लिए मैं रात दिन एक करने को रेडी हूं, अब आपको देखना है कि आपको किस तरह से काम करना है। ऑल द बेस्ट। जाते जाते इतना ही कहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू सो मच।